ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कल 22 नवंबर 2022 2023 कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए। और सबसे पहले पंचांग की बात करते हैं। देखिए कल बुधवार रहेगा और कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहने वाली है जो कि 11:04 PM तक रहेगी। उसके बाद ये एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र जो रहेगा वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा संध्या काल 6:37 तक। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि है जबकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। योग की बात किया जाए तो हर्षण योग 2:46 दोपहर तक रहेगा। उसके बाद वज्र योग का निर्माण हो जाएगा। करण देखा जाए तो तैतिल करण 12:07 तक दोपहर में, उसके बाद गर करण 11:04 तक रहेंगे। 12:58 दोपहर तक चंद्रमा कुंभ में रहेंगे, उसके बाद मीन राशि में चले जाएंगे। तो आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। स्टार्ट करते हैं मेष लग्न से। देखिए मेष लग्न में आपका मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां जो है वो बन सकती है, अतः स्वास्थ्य का आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। आर्थिक स्थिति जो रहेगी वो ओवरऑल अच्छी रहेगी। जीवन साथी से किसी बात को लेकर अनबन भी हो सकती है। प्रेम संबंध में जो दिन रहेगा वो सामान्य रहने वाला है। परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। नौकरी को लेकर चिंता की बात बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर 79% तक दिन अच्छा रहेगा। शुभ अंक 2 शुभ रंग ग्रे बन रहा है। उपाय के लिए गरीबों को अगर भोजन खिलाते हैं तो दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। रुके हुए धन की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति जो है पहले से मजबूत होगी। समाज में जो लोकप्रियता है वो बढ़ेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। परिवार में चल रही गलत फहमियां जो है वो दूर हो जाएगी और कार्य क्षेत्र में कार्यों में सफलता मिलेगी। वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम संबंध अच्छा ही रहने वाला है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 75% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 7 शुभ रंग मैरून बन रहा है। उपाय के लिए केसर का तिलक लगाइए, दिन अच्छा बीतेगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए मिथुन लग्न में शारीरिक एवं मानसिक कष्ट की प्राप्ति कल हो सकती है। खान पान पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आपका मान पद प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ेगा। आर्थिक क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी। नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर नोकझोंक हो सकता है, बहस हो सकता है, लेकिन प्रेम संबंध जो रहेंगे उसमें यथावत स्थिति बनी रहेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 70% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 6 शुभ रंग आसमानी बन रहा है। उपाय के लिए मछलियों को अगर चारा डाल देते हैं तो दिन अच्छा बीतेगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए आज आपको भाग्य का सहयोग मिलने वाला है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा ही रहने वाला है। धार्मिक क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा और रुका हुआ धन मिलने से आपका जो मन रहेगा वो प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के साथ घूमने के लिए आप कहीं जाना चाहते हैं तो उसका प्लानिंग कर सकते हैं। प्रेम संबंध में दिन भर पूरा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी।
कुल मिलाकर कल का दिन 72% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग नारंगी बन रहा है। उपाय के लिए भगवान विष्णु की अगर आप आराधना करते हैं तो काफी अच्छा रहने वाला है। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए कल आपका दिन परेशानियों से भरा रहेगा और आपकी शारीरिक एवं मानसिक रूप से आप परेशानियां भी महसूस करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। भूमि संपत्ति में निवेश के लिए दिन अच्छा है। परिवार के सभी सदस्य जो रहेंगे वो प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में लाभ प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य ही रहने वाला है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 77% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग हरा है। उपाय के लिए विकलांगों की अगर आप सहायता करते हैं तो दिन अच्छा बीतेगा। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए आपका दिन सामान्य ही रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य ही बनी रहेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति एकाग्र रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता कल दिखेगी। नौकरी व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। परिवार में सुख शांति का माहौल जो है वो बना रहेगा। जीवन साथी का भी आपको सहयोग कल मिलना है। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे और वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 75% तक अच्छा रहेगा। शुभ अंक 8 और शुभ रंग सफेद बन रहा है। उपाय के लिए अपने इष्ट देव की आराधना कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुला लग्न की बात कर रहे हैं। देखिए कल का दिन आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिए। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कुछ परेशानियां जरूर बन सकती है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में आपको लाभ के अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव जो है वो लगा रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता भी जरूर मिलेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। कुल मिलाकर कल का दिन 78% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग स्लेटी बन रहा है। उपाय के लिए लक्ष्मी जी की आराधना करें, दिन अच्छा बीतेगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां जो रहेंगी वो दूर होंगी। समाज में मान पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगा। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। रुके हुए धन की प्राप्ति भी आप कर पाइएगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति जो रहेगी वो मजबूत होगी और वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए कहा जाए तो समय अच्छा है और कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 72% तक अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6 और शुभ रंग केसरिया बन रहा है। उपाय के लिए अपने इष्ट देव की आराधना कीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। शारीरिक एवं मानसिक सुख की अनुभूति भी होगी। कार्य व्यवसाय में कुछ रुकावटों के बाद लाभ की स्थिति भी मिलेगी। आर्थिक स्थिति में परिस्थितियां जो है पहले से बेहतर होंगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। लव रोमांस जो रहेगा वो सामान्य व्यतीत होगा। विद्यार्थियों के लिए जो समय रहेगा वो अनुकूल रहने वाला है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 75% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग नीला बन रहा है। उपाय के लिए दुर्गा माता को सुपारी अगर आप अर्पित करते हैं तो दिन अच्छा रहेगा। मकर लग्न की बात करते हैं। देखिए कल आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ सकती है और आप अस्वस्थ भी महसूस करेंगे। कार्य व्यवसाय में किया गया परिश्रम आपको लाभ देने वाला होगा। आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा जो है वो मजबूत होगी। आमदनी के लिए भी कहा जाए तो नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा।
जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों को शिक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 77% तक अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक 9 और शुभ रंग पीला बन रहा है। उपाय के लिए अनाथालय में कुछ अगर आप दान करते हैं तो दिन अच्छा बीतेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए उधर संबंधित कुछ परेशानियां कल के दिन बन सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहिए। कार्य व्यवसाय में किया गया प्रयास जो है वो सार्थक रहेगा। दैनिक रोजगार में सफलता भी आपको कल मिलेगी। आर्थिक स्थिति जो है पहले से मजबूत होगी। वाड़ी पर नियंत्रण बनाए रखना उचित रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से कल के दिन सहयोग भी प्राप्त होगा और परिवार में सुख शांति का माहौल भी बना रहेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 80% तक अच्छा रहेगा। शुभ अंक 5 और शुभ रंग गुलाबी बनेगा। उपाय जो है उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। दिन अच्छा बीतने वाला है। मीन लग्न की बात करते हैं। देखिए आपका स्वास्थ्य सामान्य कल के दिन रहने वाला है। आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी। कार्य क्षेत्र में हालांकि कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकते, उतार चढ़ाव रहेंगे। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में कहा जाए तो प्रगाढ़ता आएगी। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जो भी काम करेंगे उसमें आपको कल के दिन सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 77% तक आपके लिए अच्छा है। शुभ अंक 3 और शुभ रंग भूरा बन रहा है। उपाय के लिए भैरव बाबा की अगर आप आराधना करें तो दिन अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा, अर्थात 22 नवंबर 2023 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।